नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अब जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दिस टॉपिक इज साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमारे पास डिफरेंट तरह के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं और उन्हीं फंक्शन को यूज करते हुए हम लोग एंगल्स की जो मेजरमेंट है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मोस्ट फेमस फंक्शन जो है हमारे पास, जैसे कॉस है, कॉस थीटा, थीटा बिफोर एंगल। याद रखिएगा, ये जो इतना एरिया होता है, दिस इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके बाद का ये जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, तो कॉस हो गया हमारे पास, इसी तरह साइन थीटा है हमारे पास, थीटा इज फॉर एंगल, और इसी तरह हमारे पास टेन थीटा है। और भी बहुत सारे फंक्शन हैं इन्हीं तीन मेजर फंक्शन से, बाकी उन सब फंक्शन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे जैसे आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे, डिस्कस करेंगे क्लासेस, बाकी एक्सरसाइजेस के अंदर, तो वो फंक्शन भी आएंगे और इजीली वो सब डिस्कस होंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछले जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था उसके अंदर हमारे पास वो आर्क लेंथ और रेडियस और जो उसका सेंटर लाइन था उसका हमने रिलेशन देखा था। तो बेसिकली हमारे पास जो भी कितने भी एंगल्स हैं, एंगल्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो और ये होते होते फाइनली जिस पॉइंट से ये स्टार्ट हुए थे उसी पॉइंट पे आके ये एंड हो जाते हैं। इस पॉइंट पे एंड होते हैं, इस पॉइंट इज कॉल्ड 360। ये एंगल है जीरो से शुरू होगा और 360 पे आके एंड होगा। तो इसके बाद की भी जो अगर एंगल बनते रहेंगे तो इसी सर्कल में वो आगे जो है वो चलते रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें एक रीजन में यहाँ पे जीरो, तो रीच की के इस सर्कल के कुछ फोर पार्ट्स बनते हैं, तो दीज पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। तो राइट साइड पे अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चले तो दिस एरिया इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड, एंड this quadrant is called, ये this area is called fourth quadrant। ठीक है, तो ये जो हमारे फंक्शन हैं, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इनमें ये किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर हो सकते हैं। तो डेफिनेट सी बात है, जब फोर्थ क्वाड्रेंट है और वो किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर हो सकते हैं, तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इन चीज को फाइंड आउट करने के लिए होगा वो होगा साइन। साइन का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो इन चीजों को डिस्कस करना है और इनको समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको समझे बगैर हम लोग कितनी भी ट्रिग्नोमेट्री आगे जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, हमारे पास फोर क्वाड्रेंट बन रहे हैं, कौन कौन से, जरा मैं इस सर्कल को बड़ा करके ले लो। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अभी तमाम क्वाड्रेंट में ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो उसके लिए आप एक स्टेटमेंट जो है याद कर लें, हर टीचर की या हर स्टूडेंट की या हर शख्स की अपनी एक डिफरेंट सी टेक्निक हो सकती है, जो मैं यूज करता हूं वो है एड शुगर टू कॉफी। ये हमारे पास फोर वर्ड है, वन टू थ्री और फोर, और हर एक का जो फर्स्ट कैपिटल लेटर है आप इन सबको अपने ज़हन में रखें। ठीक है, या अगर आप यूं कर लें कि जितने भी क्वाड्रेंट हैं, जितने भी ये वर्ड है फोर, इन सबको इन फोर क्वाड्रेंट के अंदर आप लाके लेते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट, एड, सेकेंड इज शुगर, थर्ड इज
and 4 is coffee. ठीक है, अब आपने इन सब का जो फर्स्ट लेटर है वो ले लें, ए एस क्यू एंड सी। ए से क्या बनेगा? ऑल। ए से क्या बनेगा? ऑल, यानी यहां पे आ जाएगा हमारे पास ऑल पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे सब के सब हमारे क्या बनेंगे? ऑल फंक्शंस पॉजिटिव। ठीक है, और जो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, एस इज फॉर साइन, एस इज फॉर साइन, हमारा क्या बनेगा? साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। एक चीज का ख्याल कीजिएगा, साइन का जो रिलेशन है, साइन इक्वल टू वन ओवर कोसेकेंट, या आप यू लिख लें कोसेकेंट इक्वल्स टू वन ओवर साइन। तो जहां जहां साइन पॉजिटिव होगा वहां पे कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा। इफ साइन इज पॉजिटिव देन कोसेकेंट इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, तो अब यहां पे क्या बनेगा? साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा जितने भी हैं वो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे नेगेटिव होंगे। ठीक है स्टूडेंट, की बात आपको समझ आ गई? नाउ मूव टू द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें आप, टू, टू का फर्स्ट लेटर लें टी, टी इज फॉर टेन थीटा, टी इज फॉर टेन थीटा, यानी आपका यहां पे टेन पॉजिटिव होगा और टेन के अलावा जितने भी एंगल को हटा दें आप, टेन के अलावा जितने भी फंक्शन हैं वो सब के सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, वो सब के सब नेगेटिव होंगे, लेकिन यहां पे भी आप एक चीज देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज मैं इस तरह हाईलाइट कर देता हूं कि टेन थीटा या टेन इक्वल टू होता है हमारे पास वन अपॉन cot। ठीक है, या cot इक्वल टू वन अपॉन टेन। ठीक है, तो जहां जहां टेन पॉजिटिव होगा वहीं वहीं cot भी पॉजिटिव होगा, और इसके अलावा जितने भी फंक्शन है यहां पे नेगेटिव होंगे। ठीक है, नाउ मूव टू द थर्ड क्वाड्रेंट। यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो वर्ड आया वो आ रहा है कॉफी। ठीक है, कॉफी का अगर आप फर्स्ट जो लेटर है, फर्स्ट अल्फाबेट है वो अगर हम लेते हैं वो बनता है हमारे पास सी, सी इज फॉर कॉज। ठीक है, सी इज फॉर कॉज, तो यहां पे कॉज पॉजिटिव होगा, बाकी सब के सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, लेकिन अगेन हम ये देख रहे हैं कि कॉज का किसके साथ रिलेशन बनता है, तो कॉज का रिलेशन जो बनता है वो वन वो सीकेंट के साथ बनता है, यानी सीकेंट का ऐसी प्रोपर जो है वो कॉज होगा। तो कॉज इक्वल टू वन अपॉन सीकेंट या सीकेंट इक्वल टू वन अपॉन कॉज। ठीक है, तो जहां जहां कॉज पॉजिटिव होगा वहीं पे हमारे पास जो सीकेंट है वो भी पॉजिटिव होगा, रेस्ट ऑफ ऑल द फंक्शन शुड बी नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन बस भी पॉजिटिव, जितने भी फंक्शन है आपका वो साइन हो कॉज हो टेन हो, इसके अलावा जितने भी फंक्शन है ऑल मस्ट बी पॉजिटिव। इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड
द फंक्शन विच रिलेट्स टू द साइन विच इज हमारे केस में क्या बन रहा है कोसेकेंड है तो साइन एंड कोसेकेंड मस्ट बी पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑफ द फंक्शन शुड बी नेगेटिव ठीक है थर्ड में अगर हम देखें तो टैन और कॉट जो है वो पॉजिटिव होंगे बाकी जितने भी हैं वो नेगेटिव होंगे और इसी तरह हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसके अंदर कॉस और कॉस का जो रिलेशन बन रहा है वो सीकेंट के साथ बन रहा है तो दीज टू फंक्शन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट वुड बी पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑफ ऑल फंक्शन शुड बी नेगेटिव ठीक है स्टूडेंट आप इस चीज को कर ले दिस इज माई टेक्निक देयर मस्ट बी डेफिनेटली सम अदर टेक्निक्स अगर आपको वो इजी लगती हैं या आपके नॉलेज में है तो वो आप उनको यूज करते हुए लेकिन ये इट्स इजी टू अंडरस्टैंड याद रखना भी बहुत आसान है तो इसको यूज करते हुए हमारे पास जितने भी क्वाड्रेंट हैं आप उन सब क्वाड्रेंट को जो उन क्वाड्रेंट के अंदर जो फंक्शन आ रहे हैं आप उनके जितने भी साइंस हैं इधर दे आर नेगेटिव और पॉजिटिव इजीली आप लोग उनको कैलकुलेट कर सकते हैं और इन साइंस से रिलेटेड हमारे पास एक पेपर के अंदर एक क्वेश्चन भी आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अक्सर आता है फर्स्ट में और पॉजिटिव सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव और फोर्थ के अंदर कॉस एंड सेकेंट पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑफ द फंक्शन आर नेगेटिव ठीक है अगर अब इसका नेक्स्ट एक छोटा सा रिलेशन बनता है अगर आप उसे देखें वो बेसिकली हमारा है अगर हमारे पास कोई पॉइंट है और उस पे एंगल थीटा है हमारा और एक्स और वाई जो है ठीक है इन यूनिट सर्कल किसी भी सर्कल के अंदर जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ठीक है तो यहां पे कॉस एक्स का जो रिलेशन है वो x के साथ बनेगा ठीक है यानी x एक्सिस के साथ और इसी तरह जो साइन का रिलेशन है वो y के साथ बनेगा ठीक है और हमारे पास जो tan है वी नो दैट वो साइन अपॉन cos होता है क्या बनेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा थीटा हम लोग इसी ले रहे हैं यहां पे देखिए तो थीटा जो है गिवन है तो ये इक्वल टू बन जाएगा साइन क्या है हमारे पास y और कॉस क्या है हमारे पास x ठीक है यहां तक क्लियर हो गया तो वी नो दैट जो सीकेंट है उसका रिलेशन कॉस के साथ होता है तो सीकेंट इक्वल टू वन अपॉन कॉस सीकेंट थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस तो यहां से ये बन जाएगा secant theta equal to cos क्या था हमारे पास x है cos theta 1 upon x बन गए ठीक है इसी तरह sin का जो रिलेशन बनता है हमारे पास वो cosecant equal to 1 upon sin theta sorry यहाँ पे angle length theta ठीक है ठीक है तो ये कोसेकेंट थीटा इक्वल टू साइन क्या है हमारे पास यहां पे आप देखें ये बन जाएगा साइन थीटा इक्वल टू वाई ठीक है और इसी तरह टेन थीटा जो है हमारे पास वो अगर इसका कॉट के साथ रिलेशन बनाए तो विच इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा ये आप लोग इसको अंडरस्टैंड भी करें और इसको याद करें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बट वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ठीक है इन फंक्शंस को अगर आप लोगों को ये नहीं आते कि कॉस का किसके साथ रिलेशन है साइन का किसके साथ रिलेशन है तो इनको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए फर्दर मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन
और tan थीटा क्या था हमारे पास y अपॉन x, ठीक है। तो इस x को हम ऊपर निकाल के लिखेंगे तो which is equal to x अपॉन y। सिंपली आप यूं कह सकते हैं जो tan की वैल्यू थी उसको उलट दें तो वो cot की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। These are some basic rule to understand, ठीक है। और साथ में अगर हम लोग चाहें तो x square plus y square equal to 1 होता है, इसको यूं भी लिख सकते हैं we know जब भी cos theta की बात आएगी तो x का रिलेशन होगा, जब sin theta की बात आएगी तो y का रिलेशन होगा। तो we know that very important और बहुत basic formula है जो कि class 9 और 10 में भी डिस्कस किया था, वो क्या था x की जगह में क्या आ जाएगा cos आ जाएगा cos square theta plus और y की जगह पे क्या आ जाएगा sin square theta equal to 1। तो we can write या we can say that कि x square plus y square equal to 1, it can be written as cos square theta plus sin square theta, ठीक है students।